प्रथम निशंका के प्रतिभा पर शंका नहीं और श्रीलंका को श्रीलंका में हराना आसान नहीं। और इसका उदाहरण तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को दूसरे और तीसरे ओडीआई मैच में हरा के दे ही दिया है। तीसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने की थी पहले बल्लेबाजी और एरन फिंच के 62, एलेक्स कैरी के 49 और ट्रेविस हेड के 70 रन की बदौलत ही 292 रनों का लक्ष्य देने में सफल रहा था श्रीलंका को। लेकिन श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने जड़ा अपना पहला शतक और खेल दिया 137 रनों की पारी। तो वहीं पे कुशल मेंडिस भी शतक जड़ देते अगर वो 87 के निजी स्कोर पर रिटायर हर्ट नहीं हो जाते। लेकिन फिर भी ये बेहतरीन पारी के बदौलत श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में हराने में सफल रहा 6 विकेटों से 9 गेंदे रहते। और इसी के साथ 5 मैचों के ओडीआई सीरीज में 2-1 की बढ़त हो चुकी है घरेलू टीम श्रीलंका के पास। और श्रीलंका के लिए अच्छी खबर ये है कि बचे हुए 2 मैच भी कोलंबो आरपीएस में ही खेले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, बचे हुए 2 मैच में श्रीलंका क्या और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये सीरीज जीतने में कामयाब रहेगा या फिर फाइट बैक करता हुआ दिखेगा कंगारू? क्या है आपका मानना बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में और वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज के लिए। धन्यवाद।